सुनेता और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति आज बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं निरंजन ज्योति ने बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि जिस साजिश के साथ कुछ लोग लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त है, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। साथ ही राम मंदिर जमीन घोटाले पर कहा कि जब कोई अच्छा काम होता है तो विपक्ष ऐसे ही आरोप लगाती है। देखिए, सरकार सजग है और आपने देखा है कि जिन लोगों को जानकारी मिली उनके ऊपर रासुका लगाई जा रही है। धर्मांतरण करने की किसी को इजाजत नहीं है। स्वेच्छा से जा रहा वो अलग बात है, लेकिन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण करना अच्छा नहीं है और इसके लिए सरकार हमारी सख्त है। कानून पहले से बना हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो इससे भी कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि तो हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, धर्मांतरण पर विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन सुनियोजित तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए सरकार सजग है। आपने देखा कानपुर में अभी पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, जहाँ भी हो रहा होगा जरूर उस पर सख्त कार्रवाई।